So hi guys, this is Mubin. I'm back with another session, that is Barriers of Communication from the textbook, from the subject MCO01, textbook number 4, that is MCO01. And the question is barriers of communication. कम्युनिकेशन मीन्स जब एक आदमी दूसरे आदमी से बात करता है उसे कम्युनिकेशन कहते हैं और सम मैसेज हैज़ टू बी ट्रांसफॉर्म इज़न्ट इट दैट इज़ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो द कम्युनिकेशन मीन्स व्हेन अ मैसेज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. व्हेन ए मैसेज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर दैट इज़ कम्युनिकेशन. जब एक मैसेज दूसरे आदमी तक नहीं पहुंचता है तो उसे बैरियर्स कहते हैं. सो देर आर मेनी रीजंस ऑफ बैरियर. द फर्स्ट वन इज डिले, डिस्टॉर्शन, डिल्यूशन, फिजिकल, पर्सनल, सेमांटिक, टेंडेंसी टू इवैल्यूएट एंड जज, हायरार्की एंड स्टेटस, सेमांटिक. डिले, डिस्टॉर्शन एंड डाइल्यूशन. डिले मतलब अगर राजू और मोहन, दो एग्जाम्पल्स, ओके डिविड, ए एंड बी. A is asking B, how are you? And B is replying, I am fine. B is replying, I am fine. At that time, when A is B is replying, when A is asking the question, how are you? And B is replying, I am fine. After 20 minutes, that fine or unfine के बीच में कोई difference नहीं है. जब एक आदमी दूसरे आदमी को जवाब देते हैं तो उसमें देर या delay होता है, उसे delay in barriers of communication कहते हैं. Distortion मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को कहता है बहुत डिस्टेंस में, यानी कि 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर दूसरे, ए हाँ ये कह रहा है, वो कुछ भी नहीं सुन सकता है क्योंकि बहुत दूरी में है. इफ़ इट इज़ अ वेरी फार डिस्टेंस एट दैट टाइम इट कैन क्रिएट अ ब्रेकअप. मैसेज फुल्ली रीच नहीं होता है, मैसेज ब्रेकअप होकर होता है. अगर हाउ आर यू पूछा है तो हाउ सिर्फ हाउ या यू सिर्फ सुनता है. डिस्टॉर्शन मीन्स ब्रेकिंग अप ऑफ द मैसेज. फुल मैसेज कभी भी नहीं जाता, ब्रेकिंग अप होता है. डिल्यूशन मतलब हियर यू कैन सी इट्स कॉज्ड बाय यस टेलिंग बॉस मतलब डिल्यूशन मतलब अगर एक बॉस पूछता है क्यों हमारी कंपनी में इस साल प्रॉफिट कम आया, तब वो एम्प्लॉय कहता है हाँ वैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है. यानी कि टू सेटिस्फाई द बॉस वी आर स्पीकिंग. अगर हम कुछ भी कहते हैं टू सेटिस्फाई द हायर अथॉरिटी, जो कुछ भी हायर अथॉरिटी कहता है हाँ यस यस यस, तब बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आते हैं. जब एक आदमी कह रहा है उसको यस बोलते वक्त मैसेज की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी और अच्छी तरह की कम्युनिकेशन नहीं है. नेक्स्ट है फिजिकल, पर्सनल एंड सेमांटिक. फिजिकल, पर्सनल एंड सेमांटिक मतलब फिजिकल बैरियर्स मीन्स हम किसी के ड्रेसिंग या उसके हाउ वो कैसे बात करता है, वो कैसे दिखता है, उसके बेसिस पर हम कम्युनिकेशन नहीं कहते. पर्सनल मतलब अगर मैं एक आदमी को अच्छी तरह से जानता हूँ तब मैं कहता हूँ यह एक बहुत घमंडी है, यानी कि ये बहुत घमंडी है, मैं इसको अच्छा नहीं लगता है. वैसे सेमांटिक एक्सप्लेनेशन लास्ट में दूंगी. और टेंडेंसी टू इवैल्यूएट एंड जज अदर्स, टेंडेंसी टू इवैल्यूएट एंड जज अदर्स मतलब मैं एक आदमी को देखते ही बताती हूँ नहीं वो आदमी अच्छा नहीं है, वो ऐसा है ऐसा है, बेस्ड ऑन प्रेजुडाइजेस. प्रेजुडाइजेस मतलब आई डोंट नो अ पर्सन एंड स्टिल आई एम सेइंग समथिंग. मैं एक आदमी को बिना जाने उसके बारे में उसको देख कर बताता हूँ, उसका ड्रेसिंग बहुत अच्छा है तो वो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है. देन हायरार्की एंड स्टेटस. हायरार्की एंड स्टेटस मतलब बॉस और एम्प्लॉय, हायर अथॉरिटी और लोअर अथॉरिटी के बीच में हायरार्की एंड स्टेटस होता है. हायरार्की स्टेटस मतलब बॉस कहता है हमेशा वो करो ये करो, तब एक बॉस और एम्प्लॉय के बीच में जो एक बैरियर्स होता है उसे हायरार्की एंड स्टेटस कहते हैं. हियर यू कैन सी हायरार्की एंड स्टेटस कैन बी बैरियर्स टू कम्युनिकेट. द एग्जिस्टेंस ऑफ हायरार्की क्रिएट्स फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द पीपल. फिजिकल डिस्टेंस मतलब ऑलरेडी एक डिस्टेंस होता है. फिर सेमांटिक मतलब साइंस ऑफ साउंड मतलब जैसे कि जब एक आदमी बहुत लाइक ही इज़ वेरी सैड एंड ही शेयरिंग द इंफॉर्मेशन एट दैट टाइम आई विल से ओह इट वाज वेरी बैड. एट द सेम टाइम आई कैन से ओह इट वाज वेरी बैड. अंडरस्टूड दैट मीन्स यूसेज ऑफ साउंड इज डिफरेंट. अ पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह कहाँ साउंड यूज़ करना चाहिए. अंडरस्टूड अगर एक सिचुएशन दे रहे हैं उसमें ओह दैट वाज वेरी बैड, वो अच्छा नहीं हुआ आपके साथ, वो अच्छा नहीं हुआ आपके साथ. सो वो डिफरेंस है ना, वो है सेमांटिक साइंस ऑफ साउंड. सो दैट्स व्हाई इट हैज सेड
कब कहाँ किस तरह के साउंड को यूज़ करने के करेक्ट डायरेक्शन हमारे पास होना चाहिए. दैट वॉज अबाउट डिले, डिस्टॉर्शन, डिल्यूशन, फिजिकल पर्सनल सेमांटिक टेंडेंसी टू इवैल्यूएट हायरार्की एंड स्टेटस एंड फाइनली द साइंस ऑफ साउंड. आई थिंक दिस इज द मेन रीजन, इज़न्ट इट. हम पर्सनल लाइफ, मोस्ट ऑफ द फैमिली रिलेशंस आर एक्सप्लॉइटेड बिकॉज ऑफ द सेमांटिक. दिस वॉज द इंट्रोडक्शन टू बैरिस्टर कम्युनिकेशन. थैंक यू. प्लीज सब्सक्राइब इफ यू फाइंड वर्थ इट.